नमस्कार, मैं तेजवीर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। और आज हम पहुंचे हैं कुछ बुजुर्गों के सामने, हमारी चुनावी चौपाल है उसको लेकर, और उनकी राय जानेंगे कि जो मौजूदा सरकार है उससे संतुष्ट है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको राम राम। आप कौन? राम राम कर रहे हैं, राम राम। जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, आप उससे संतुष्ट है या नहीं? ना, बिल्कुल नहीं। क्या कारण, आप संतुष्ट क्यों नहीं इससे? कोई काम जिम्मेदार ने कोई काम धाम नहीं किसी का, फिर बस इवें कह छड़ते हैं आह किया कि कोई काम का नहीं। जो 2000 दिता तो उधर हम इकरारनामे करा, जो 2000 उ लै लेंगे, अगर 10 रुपया ही हो जाता है, हम 2000 रुपया उत्थे लै लेंगे। लेकिन सरकार के द्वारा तो कई काम कहे जा रहे हैं कि हम किसान की जो आय है दुगना करने का काम कर रहे हैं, या 2000 रुपये जो मंथली है वो कर रहे हैं, तो उस बारे में आपको कुछ मदद मिली है? आए नहीं है साढ़े तो, जो कोई आए नहीं 2000 भरे कि चेर हो गए, साढ़े फार्म भरे बड़ा चेर हो गए, साढ़े तो आए नहीं कोई। आपने प्रशासन की तरफ से कुछ इस बारे में कोई शिकायत दी हो या? और उनको ना कोई शिकायत नहीं होना। आप जो विधायक हैं, मौजूद आपके विधायक थे, आप वो कभी इलेक्शन के बाद यहाँ पे पहुँचे या नहीं पहुँचे? आंदा रहा है, वो पहला लोकदल का विधायक हैगा ही जी, अजकल बीजे बीजे हो गया है, पहला सरपंच का बंदा ही सरपंच का आंदा रहा है, पर आप कभी नहीं इतने का कोई काम तो उन्हें किया नहीं खास। तो जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे उन्होंने उनमें बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी है, लेकिन अभी हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो इस बारे में आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? हम तो कांग्रेस ही बनाना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? इन्हें काम तो कोई सुनता सुनते तो है नहीं, जो इतने आगू है इन्होंने, जिमें मनीष लाड़ा कोई भी लाड़ा सुनता तो कोई है नहीं, किसी को जाए कोई सुनते तो है नहीं, क्योंकि उत्थे कोई चलो कांग्रेस माड़े सुनाई तो की है कांग्रेस में भी अब कई बार बड़े बदलाव किए गए हैं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो उनको बड़ी उपाधि दे दी गई है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि जो बदलाव किया गया उससे कुछ हरियाणा में फायदा होगा? नहीं, बहुत फायदा होगा, पहला तवर नाम तो कोई नहीं बने, इतना फायदा होगा। तो इसका जो मेन कारण है फायदा का, उससे क्या होगा, क्या फायदा होगा, किन किन बातों को? इन्हें तो जिमीदार ने कहने अपनी जमीन हैगी रेट भी दुगने किए ही, जो अक्वायरमेंट होंगी ही इन्हें आने भी घटाते, आज जी दूजी सरकार हैगी है, और भी कई तरह जो जिमीदार सारा सुख है, सारा कुछ मिलता है, ये कोई सुविधा नहीं मिलती सानू। लेकिन मनमोहन लाल खट्टर तो कह रहे हैं कि हमारी जो हवा है वो बहुत ही तेजी के साथ हरियाणा में बढ़ रही है और हम 75 पार ही अब की बार लेके रहेंगे, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? असी तो नहीं कह रहे, असी तो नहीं कह रहे 75 पार हो सकता, सरकार वेखो भी बराबर जिम्मे अगे होंगे सीटा आने बन जाए, गल नहीं कह सकते, पर 75 वाली गल तो कोई है नहीं। और रोजगार की बात करें तो सरकार कहती है कि हमने बिना खर्ची और बिना पर्ची के सरकारी नौकरी दी है, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है क्या बताएं आप? हमारे गांव में तो एक आदमी लगा, दोबारा तो सानू नहीं पता, हमारे गांव का तो एक आदमी लगा है कोई। तो अभी मौजूदा सरकार है बीजेपी की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो ये बताइए जो मौजूदा बीजेपी की सरकार उससे आप कितने संतुष्ट हैं या नहीं? ठीक है, बीजेपी के कोई काम करवा रहे हैं सारा कुछ, बाकी आगे देखो। जो आपके गांव में विकास की बात करें तो जो नदियों का जो पानी आपको ठीक से मिल पाता है, या जो बिजली की समस्या है गांव में हमें देखने की मिलती है और पानी की भी, तो इस बारे में आपको कुछ सुविधा मिल पा रही है या नहीं? नहीं नहीं, अपने लाइट भी मिल रही है और काम भी हो रहा। जो अभी कुछ में पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे, इसमें मोदी की पहचान से ही उनको मत मिले थे, लेकिन जो अभी विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, तो लोग किसका जो चित्र देख के अबकी बार मतदान करेंगे? मतदान तो ऐसी तो देखो, इसको टिकट मिलेगी भाजपा की बढ़िया तो बाली देंगे वोट। ऐसा कोई उम्मीदवार जो आपके चाहते हो कि ये उम्मीदवार आए जो हमारा काम करवा सकता, तो उसके बारे में बताएं, जो आप चाहते हैं कि उम्मीदवार हमारे लिए अच्छा है, काम कर सकता है? अच्छा तो सुनीता सेठिया। तो बात करते हैं रोजगार की, तो सरकार कहती है कि हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार दिए हैं, तो इस पर कितनी सच्चाई है? रोजगार दिए हैं सारों को। आपके कोई ऐसा है जो बच्चा नौकरी लगाओ जो बिना पर्ची और बिना खर्ची के लगाओ अपनी मेहनत से? मेहनत से लगे हैं, तो गाँव में 5-6 लोग।
वैसे वोट बना हुआ है आपका? हाँ जी बिल्कुल बना हुआ है। अच्छा आप ये बात बताइए कि गांव बेगू के अंदर जो पिछली सरकार है कितने विकास कार्य हुए हैं, लगता है आपको भी कुछ विकास हुआ है यहाँ पे? विकास तो हर कोई सरकार करती है जी, लेकिन अब भी काम तो भी हो रहे हैं। अच्छा गलियां वगैरह ठीक है? हाँ जी बढ़िया बन गई। अच्छा एक बात बताइए कि सरकार हर बार ये कहती है क्योंकि लोकसभा चुनाव से लेकर के और अब विधानसभा चुनाव में भी सरकार बार बार ये कह रही है कि हम बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियां दे रहे हैं, कहाँ तक सच्चाई है? कुछ युवा लगे हैं आपके गांव में नौकरी? हाँ जी लगे हैं, कई लगे हैं, जैसे डी ग्रुप का अभी निकला था फॉर्म, उसमें भी 5-6 गाँव के हैं। कोई पैसा नहीं दिया गया? अच्छा किस तरह का कैंडिडेट आपको चाहिए, अभी जो विधायक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अगर काम के हिसाब से देखें नौकरियों के हिसाब से देखें तो कैसा होना चाहिए? वैसे तो बीजेपी की सही है सरकार, बढ़िया काम चल रहा है अब तो जी, बाकी तो अपने विचारों पर ही है। नहीं मुद्दे तो होंगे आपके, अपने गांव के मुद्दे होंगे कुछ? तो काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, नौकरियां सही मिल रही हैं? हाँ जी नौकरियां सही है। कोई मांगे हो आपकी अलग से एक युवा होने के नाते? ये मांगे तो बस नौकरी जैसे बीपीएल परिवारों जैसे हो गए उनको ज़्यादा मेरी है। ठीक है, परसेंटेज कम है हमारे। अच्छा जनरल के लिए कम है नौकरी? हाँ जी जनरल के लिए कम है, 90+ जा रही है अब तो। ओके उसमें दिक्कत आ रही है, बाकी तो सब ठीक है। जी सुनील कुमार जी एक बात बताइए कि गांव के अंदर गलियां वगैरह कैसी हैं? हाँ गलियां बढ़िया है। अच्छा मौजूदा सरकार है उसने काम करवाए हैं, कहते हैं सरकार खुद कहती है कि हमने बहुत काम करवाए हैं, कितने संतुष्ट हो आप उनसे? काम बहुत करवाए हैं, गलियां वलियां बनी हैं, जो जिस चीज की जरूरत है बन रही है। हाँ अभी जब हम आए थे तो गांव के अंदर बड़ा अच्छा लगा देख करके, सेट बना हुआ था। हाँ जी सेट अभी करवाया है जी, सेट गलियां सारा काम अभी बनाया। अच्छा पानी और सफाई व्यवस्था कैसी है गांव के अंदर? गांव में सफाई ठीक है, सफाई भी है और पानी पूरी भी फुल है। जो पीछे विधायक थे कौन थे विधायक, मक्खनलाल सिंगला? हां मक्खनलाल सिंगला। कभी आए हैं गांव? नहीं नहीं कभी नहीं आए। कोई काम हो जो सिंगला जी ने करवाए हो? ना ना कोई काम नहीं करवाया ही नहीं। अच्छा कोई काम नहीं। कैसा अभी जो विधायक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, भाजपा का ही होना चाहिए। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो फिर ये ऐसे है कि काम तो भाजपा सरकार करा रही है और नौकरियां भी दे रही है। ठीक है तो ठीक है। अभी पता लगा था कि गांव के अंदर 5-6 लड़के लगे भी हैं। हाँ लगे हैं, 5-6 जन लगे। तो कोई रिश्वत वगैरह? ना ना कोई रिश्वत नहीं लगी, कोई रिश्वत नहीं लगी, बिल्कुल ऐसे लगे। तो आपकी नज़र में ऐसा कोई कैंडिडेट है कि वो आज बंदा सही है उसको वोट मिलने चाहिए? वोट तो ऐसे है कि जो भाजपा की सरकार है जो जिसको टिकट देंगे वोट तो उसको मिलेंगे। फिर भी कोई आपकी नज़र में होगा? नहीं अपने सुनीता सेठी है। अच्छा ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। पिछले कड़ी जीती नहीं है तो क्या अभी हमारे वोटर भी है? हाँ जी ठीक। हाँ जी क्या नाम है जी? कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी गांव के अंदर आपका गांव बेगू है और इसमें क्या किस तरह के मुद्दे आप हैं? मुद्दे सबसे बड़ा इसका जोड़गा है जिसकी शिवलाल की सबसे बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए, शाहपुर बेगू पहली सबसे बड़ी व्यवस्था सिवर लाइन। बहुत गंदगी इधर, आप जाके रात को रह नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते बैठ के। अच्छा अच्छा इतने बुरे हालात। नहीं तो जोहर तो पंचायत की तरफ से हर बार सफाई इसकी करवाई जाती है, तो क्या रीजन है कि भी ये सब ने सरपंच की कहीं ना कहीं कमी आ रही है या सरकार की कहीं ना कहीं क्या कमी है? उसमें जो लगाते हैं ये जो जिनको ये ड्यूटी दी हुई वो लगाते हैं, थोड़े दिन निकाल के जो बीच में रह जाता है वो कचरा थोड़े दिन बाद फिर फैल के बराबर हो जाता है, बंद कर देता है। अच्छा इसके अलावा मतलब ये तो चलो एक जोहड़ की समस्या है, इसके अलावा जो पानी की देखिए गांव की जो मेन चीजें होती है वो बिजली और पानी होती है। बिजली और पानी तो फुल है, उसकी कोई ऐसी दिक्कत अच्छा, तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे की जो सरकारें थी बीजेपी की सरकार से पहले और अब में कुछ बदलाव है? अब तो पूरा बदलाव है। अच्छा और बिना यहाँ कैंडिडेट बीजेपी का जीता तो भी काम पूरे हो रहे हैं। अच्छा नौकरी में 10-12 बच्चे लगे हैं, नाम भी बना सकता हूँ। अच्छा 10-12 बच्चे लगे हैं? हाँ अच्छा दो तो जेई लगे हैं, कोई क्लर्क लगे हैं, तीन चार पुलिस में लगे हैं और एक ग्रुप में लगे हैं। ओके हाँ कोई समय ऐसा था जिसमें कहा जाता था कि भी जेई लगना और ये एक बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी, लेकिन अब शायद लग रहे हैं कहीं बिना बिना सिफारिश बिना कुछ
रीजन यही लग रहे हैं। अच्छा, व्यापार में कितना का बदलाव आया है क्योंकि GST लागू हुई है और नोटबंदी के बाद में कहीं ना कहीं सरकारें, विपक्ष भी जो दूसरी पार्टियां हैं वो ये बार बार मुद्दा उठाती है कि इससे जो है देश की अर्थव्यवस्था डाउन आई है। आप एक व्यापारी हैं इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। अर्थव्यवस्था तो डाउन आई है, जैसे बने सारे GST समान हुआ है, कई लोग बीच में चोर बैठे, सारा पैसा तो एक जगह चले जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था डाउन होगी। सामान्य होता है, सामान्य व्यापारी एक आदमी के पास हजारों करोड़ में कहाँ से आया देश का, मतलब एक हरियाणा का एक बंदा एक पैसा लेके इतना बैठेगा, वो पैसा तो स्टेट से ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं से तो पैसा निकला होगा, अगर वो सभी बांटा जाए वही पैसा, तो हर आदमी की ग्रोथ बढ़ेगी, स्टेट की ग्रोथ बढ़ेगी, कैसे नहीं बढ़ेगी, सारा काम बढ़ेगा। गाँव के अंदर जो छोटा मोटा व्यापार है उसमें कोई फर्क है? हाँ, काम में फर्क तो है, थोड़ा मंदी आई है, डेरे वाला बाबा अंदर होने की वजह से और मंदी आई है। अच्छा, हमारे लिए तो फर्क क्योंकि ये डेरे के नज़दीक पड़ता है आपका गांव, यहाँ प्रॉपर्टी फोटो में। क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ करोड़ों में एकड़ थे, यहाँ लाखों में। अच्छा, हाँ जी, क्या नाम है? रंजीत सिंह। अच्छा रंजीत जी, एक बात बताइए कि अभी सरकार ये कह रही है कि जो है हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां लगाई है, आप एक युवा हैं, आप बताइए कि कहाँ तक सही है ये? नहीं जी, इस बात तो काम बहुत हुआ है, जैसे हमारे गांव में 5-7 लड़के लगे हैं बिना मतलब के खर्चे के, कोई रिश्वत नहीं दी, कोई कुछ नहीं, 5-7 लड़के हमारे लगे हैं नौकरियों में, वो गरीब परिवार के लगे हैं। ठीक है, कोई वो मतलब नहीं है इसका, ऐसा कोई फंडा नहीं है। अच्छा, सरकार से क्या मांग करेंगे आप, एक युवा हैं, एक रोजगार के अलावा आपके कोई कुछ मुद्दे होंगे आपके खुद के? बस जी, युवा का तो यही होता है रोजगार मिले, युवा ज़्यादातर क्या है कि युवा जो होता है जब जवान होता है उसको रोजगार मिल जाए टाइम से तो ठीक रहेगा, अगर रोजगार ना मिलेगा तो गलत काम करेगा जी, बिल्कुल में पड़ेगा, तो उसके लिए रोजगार जरूरी है युवा के लिए। नशे की तरफ बहुत जा रहे हैं लड़के जो है, और हर गाँव के अंदर अब बुरे हालात हैं, क्या कहना चाहोगे सरकार से, कोई मांग करोगे? सरकार से बस यही मांग करेंगे भी मतलब कि जहाँ से जाए कार्रवाई करके नशे को रोक लगाई जाए, हर एक गांव में, हर एक जिले में, हर एक मतलब कस्बे में नौकरियां मिलेगी तो फर्क पड़ेगा। हाँ, नौकरियां मिलेंगी तो अपने आप उनका रुझान होगा उस तरफ, उस अपने कारोबार में लगेंगे, अगर मतलब नौकरियां ना होंगी, रोजगार ना आएगा तो अपने आप ही जो युवा हैं वो गलत संगत में जाएंगे, नशा करेंगे या फिर कैंडिडेट कैसा होना चाहिए आपके? कैंडिडेट मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, कैंडिडेट है जो युवा होना चाहिए, युवा होना चाहिए, मतलब कि पढ़ा लिखा होना चाहे ना हो। नहीं, युवा तो मक्खन लाल सिंगला जी भी थे, कोई ऐसी बात? सिंगला जी तो युवा नहीं थे, युवा आते तो वो संभालते उनको, जो युवा है ना युवा की तरह ही सोचेगा, अभी हम जैसे मैं हूँ मेरी तरह कोई और भाई बने युवा तो वो उसी तरह से सोचेगा विकास किस तरह से होना चाहिए और अपने मतलब युवा की सोच से। आपकी नज़र में कोई ऐसा है कैंडिडेट? अभी तक तो फिलहाल नहीं है, अगर कोई होगा तो आपको मतलब क्या पता लग ही जाएगा, वो जैसे कि अब आ रहे हैं युवा तो खड़े हो रहे हैं वो पता लग जाएगा वो जब। हाँ, अभी बहुत सारी पार्टियों ने कैंडिडेट का घोषणा भी नहीं की, घोषणा भी नहीं किया जी। शुक्रिया।